कि ये दुनिया की जिंदगी कोई बेमकसद नहीं है, कोई विदाउट रीजन नहीं। एक मिसाल दे रहा हूं, कोई अगर आपके दरवाजे पर खटखटाए, आप दरवाजा खोलते हो और वो कहे कि मैंने ऐसे ही खटखटाया, ऐसे ही नॉक किया, ऐसे ही घंटी बजाई, नो रीजन, तो आप क्या कहेंगे? उसको पागल समझेंगे या फिर डांट के भगा देंगे? जाहिर सी बात है। अब एक सिंगल चीज के अंदर लोग जब ये समझते हैं, तो आप बताओ कि इतनी बड़ी दुनिया, इतने सारे इंसान, इतने सारे फिनोमेना बगैर मकसद के हो गए, तो क्या ये फूलिश, पागल जैसी चीज नहीं लग रही? लेकिन ऐसा है नहीं। जब ये यूनिवर्स इतना ब्यूटीफुल और इतना बेहतरीन तौर पर क्रिएट किया गया, ये बगैर मकसद नहीं बना। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया सूरह सौद में, सूरह नंबर 38 आयत नंबर 27, वमा खलकना समा वल अर्द वमा बैनहुमा बातिल, हमने आसमानों को, जमीन को और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है, इन्हें ऐसे ही नहीं बनाया, विदाउट रीजन नहीं बनाया। ज़ालिका ज़न्नुल्लज़ीना कफरू, ये तो वो लोगों का गुमान है जो इनकार करते हैं। फवैलुल लिल्लज़ीना कफरू मिनन्नार, तो बदबख्ती है इनकार करने वालों के लिए जहन्नम की आग की वजह से। सो अल्लाह ने कहा कि ये सब ऐसे ही अल्लाह ने बगैर मकसद नहीं बनाया, ये पूरा यूनिवर्स और उसके अंदर जो सिंक्रनी है, इसके अंदर मकसद है। और मेरे भाइयों और बहनों, अगर हम सबको अपनी जिंदगी का मकसद नहीं पता, तो हम देखते हैं कि कई बार जिंदगी में उरूज, जवाल, उतार चढ़ाव, ये तो लगे हुए हैं। अगर ये नहीं पता कि हम जा कहाँ रहे हैं, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इन अप्स एंड डाउन्स को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। कितने सारे लोग हैं जो सुइसाइड कर बैठते हैं, कितने सारे लोग हैं जो जिंदगी में जब अप्स मिलते हैं तो ये समझते हैं कि हाँ हमारा हो गया। काश कि उनको पता होता कि दुनिया की जिंदगी सिर्फ एक एग्जाम है, सिर्फ एक इम्तिहान है, इसका रिजल्ट आने वाला है। तो ये जिंदगी का मकसद जानना एक इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई जी रहे हो, भाग दौड़ चल रही है, काम के लिए जाते हो, सर्विस के लिए जाते हो, बिजनेस के लिए जाते हो, खाना पीना करते हो, सब कुछ करते हो, होते होते एक दिन मर जाएंगे। तो हम में और वो सब जानवरों में क्या फर्क है अगर हमें पता नहीं कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? व्हाई आर वी लिविंग? क्या हमारी जिंदगी बेमकसद है? तो नहीं, हमारी जिंदगी में मकसद है, और वो मकसद को पहचानना बहुत जरूरी है। कुरान में अल्लाह ने कहा सूरह ज़ारियात में, सूरह 51 आयत नंबर 56, वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, मैंने जिनों और इंसानों को सिर्फ मेरी इबादत के लिए बनाया है। हम सब बने हैं सिर्फ उसकी इबादत करने, मतलब हमारी जिंदगी का मकसद है हमें अच्छा करना है उसके लिए, सारे अच्छे काम करने हैं, सारी इबादतें करनी है। हर वो चीज जो एक इंसान अच्छी करता है, वो सब के सब चीज इबादत है। वो किसके लिए है? ऊपर वाले के लिए है। ये जिंदगी का मकसद है कि हम क्यों बने हैं। और कुरान में अल्लाह ने कहा सूरह मुल्क में, सूरह 67 आयत नंबर 2, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, वो जिसने मौत बनाई और जिंदगी बनाई ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन है जो अच्छे काम करता है। ये एक एग्जाम है। अब बहुत सारे लोग हैं जो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, जैसे शेर दूर से आ रहा है और कोई आंखें बंद करके बैठ जाए तो उससे शेर तो गायब नहीं हो जाता जी। हकीकतों से आंखें बंद करने से हकीकत थोड़ी बदल जाती है जी। क्या हम ये गुमान करेंगे कि यूनिवर्स का बनाने वाला ऐसे नाइंसाफी रहने देगा? क्या हम ये गुमान करेंगे कि अच्छों को अच्छाई का बदला नहीं मिलेगा, बुरों को बुराई की सजा नहीं मिलेगी? क्या हम ये समझते हैं कि वो गाफिल है? अल्लाह ताला ने कहा कि वला तहसबन्नल्लाहा गाफिलन अम्मा यामलुज़्ज़ालिमून, ये मत सोचना कि अल्लाह गाफिल है जो जालिम करते हैं, उनके जुल्म से वो गाफिल है, ये मत सोचना। उसे पता है ये चीज का रिजल्ट आने ही वाला है, क्योंकि वो हर कमी से पाक है। और नाइंसाफी एक बहुत बड़ा जुल्म है, वो इंसानों पर जुल्म नहीं करेगा, हर इंसान को उसकी अच्छाई का अच्छा बदला मिलेगा, बस और बुराई की सजा मिलेगी।